हेलो फ्रेंड्स, कबीर ब्लॉग्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आपके पास आया हूँ गोल्डन टेंपल और जलियांवाला। देखिए और एंजॉय कीजिए। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, भक्ति भावना और ईश्वर की अनुकंपा के स्वर्णिम किरणें बिखरने वाला यह मंदिर केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत श्रद्धालु एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक सुंदर सरोवर के मध्य में स्थित यह स्वर्ण मंदिर संसार भर के सिखों के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। अमृतसर नगर तथा यहाँ स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार भगवान राम के दोनों पुत्र लव कुश यहाँ सरोवर के निकट विद्या अध्ययन तथा रामायण पाठ के लिए आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस सरोवर के जल में कई प्रकार के गुण हैं जिससे रोगी भला चंगा हो जाता है। अमृतसर की स्थापना की कथा सन 1574 ईस्वी से आरंभ होती है। गुरु रामदास जी ने यहाँ पर एक पुराने सरोवर के किनारे डेरा डाला था। यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में गुरु साहिब ने सरोवर और उसके आसपास की जमीन खरीद ली और भक्तों ने एक बड़ा सरोवर खोद दिया। वहाँ गुरु के निवास स्थान को गुरु का महल नाम दिया तथा बस्ती रामदासपुरा बस गई। अमृत तुल्य जल से भरे इस विशाल सरोवर के पास बसी बस्ती का नाम अमृतसर रखा गया। गुरु रामदास जी की यह योजना थी कि यहाँ पर मंदिर बनवाकर एक विशाल धार्मिक केंद्र की स्थापना की जाए, लेकिन 2 वर्ष बाद ही गुरु रामदास जी का देहावसान हो गया। बाद में उनके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1601 में सरोवर के मध्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया तथा यहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को विराजमान किया। तभी से सिखों और अन्य धर्मावलंबियों के लिए यह महान तीर्थ स्थान बन गया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के नीचे के कुछ हिस्से में संगमरमर लगवाया और शेष भाग को पहले तांबे से जड़वाकर उसके ऊपर शुद्ध सोना मढ़वाया। अनुमान है इसमें करीब 400 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। तभी से यह स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्वर्ण मंदिर का मुख्य मंदिर पवित्र सरोवर के बीच स्थित है तथा वहां पहुंचने के लिए एक 60 मीटर लंबा सुंदर पुल बना हुआ है। इस पुल के किनारे को दशमी ड्योढ़ी कहते हैं। 52 मीटर ऊंचा हरि मंदिर वर्गाकार है। इसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार है जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ गुरु के दरबार में किसी भी दिशा से आने वाले हर किसी का स्वागत है। 3 मंजिल के इस स्वर्ण मंदिर की निर्माण कला अद्वितीय है। रंग बिरंगे झाड़ फालसों की अपनी अलग ही शोभा है जो दर्शकों को बरबस चमत्कृत कर देती है। पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है जिसके ऊपर रत्न जड़ित छत्र है। यहाँ पर सवेरे 3 बजे से रात के 10 बजे तक गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ होता है। रात्रि 10 बजे पाठ की समाप्ति पर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान पूर्वक कोठा साहब नामक पवित्र स्थान पर ले जाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके बाद हरि मंदिर साहिब की सफाई कर इसे दूध से धोया जाता है तथा ठीक प्रकार पोंछ कर साफ कर चांदनी आदि बिछा दी जाती है। प्रातः फिर 3 बजे से पाठ आरंभ हो जाता है तथा 4 बजे प्रातः कोठा साहिब से रण सिंहों के वादन एवं भक्ति संगीत के साथ सम्मान सोने की पालकी में हरि मंदिर साहिब लाकर गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र आसन पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद पूरे दिन श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। स्वर्ण मंदिर में आने वाले यात्री स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ जूते पहनकर या सिर खुला रखकर आना मना है। धूम्रपान पूरे परिसर में निषेध है। हर द्वार पर जूते सामान आदि रखने की व्यवस्था है। हर प्रवेश द्वार पर पैर धोने के लिए बहते हुए पानी की व्यवस्था है। बिना पैर धोए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र सरोवर के निकट ही शताब्दियों से खड़ा हुआ दुखभंजन बेरी नाम का पेड़ है। सरोवर में स्नान करके मनुष्य के सब दुख दूर होते हैं। स्नान के बाद सरोवर की परिक्रमा कर श्रद्धालु दर्शनी ड्योढ़ी से होता हुआ हरि मंदिर साहिब पहुंचता है। गुरुओं के जन्मदिन एवं अन्य पर्वों पर स्वर्ण मंदिर को रोशनी से खूब सजाया जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के आज 100 साल पूरे हो गए हैं।
ये वही दिन था जब हजारों मासूमों की जान एक झटके में चली गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड बैसाखी की 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। वहीं इस दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था, ऐसे में लोग गोल्डन टेंपल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। ऐसे में गुस्साए जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ा। जलियांवाला बाग के गेट का वो सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, काफी लोग शामिल थे। बता दें कि कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर बाग से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही आज हत्याकांड को 100 साल पूरे हो गए हों, वहीं दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी यहां बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। 1927 में बीमारी की वजह से रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में 379 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन असल में यहां हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन माइकल डायर अभी जिंदा था और ब्रिटेन लौट चुका था, लेकिन एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला आखिरकार पूरा कर लिया। बता दें कि वो नौजवान था उधम सिंह। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के 100 साल पूरे होने पर वहां एक खास कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और कोई कमेंट्स हो तो जरूर बताइए, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।